तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, आज आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, आर्थिक लाभ का योग बन रहा है, पदोन्नति का योग बन रहा है, सलाह से धन कमाएंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, अचानक यात्रा का योग बन रहा है। और आज आपको क्या ध्यान रखना है जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, तो आज आपकी माली हालत बहुत अच्छी होगी, रुका हुआ धन मिलेगा, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, और आपका जो वृश्चिक का चंद्रमा है वो छठे भाव में बैठा हुआ है, तो आज आप कार्य शुरू नहीं करेंगे तब तक आपके मन में नकारात्मक विचार आएगा, तो नकारात्मक सोच से आपकी ऊर्जा का ह्रास होता है, जिससे आप कार्य करते करते रुक जाते हैं, परहेज करते हैं कार्य करने से, तो ऐसा नहीं करना। आज आप क्या करें, बैठ के सेल्फ रिव्यू करें कि आप में क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, क्या आपको आगे बढ़ाना है, क्या डीएक्टिवेट करना है, तो जो आपके अंदर अच्छाई है उसको और इंक्लूड करिए, और जो आपके अंदर बुराई है, जो नेगेटिव थॉट है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उसको अगर आप डिलीट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप खुद में स्वयं अपना आत्म साक्षात्कार करिए, सेल्फ रिव्यू करेंगे उतने आपके लिए बेहतर होगा। तो आप अपना खुद में बहुत बड़े शत्रु हैं, तो अपने को कैसे से निकालेंगे, अपना आत्मचिंतन करिए, आत्ममंथन करिए, और थोड़ा सा योग का सहारा लीजिए और एकाग्र होकर के कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। कहते हैं कि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है, तो जितना अपने को सेल्फ रिव्यू करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी क्या व्रत नहीं है, माता पिता की सलाह लेकर के कार्य करें। उपाय क्या करना है, अगर आज आप नारंगी वस्त्र दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और भगवान भोलेनाथ को मदार ओम नमः शिवाय लिख करके चढ़ाएं, और बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख के मदार का पुष्प जरूर अर्पित करें, और जरूरतमंद को उपहार दें, पुस्तक को उपहार दें। और शुभ अंक 3 है, शुभ रंग ग्रे है, लक मीटर 5 है। हरे कृष्ण।